जैसे फंड्स हैं, हम ये सब हेल्प कराते हैं अर्ली स्टार्टअप्स को फंडिंग दिलवा के उनको ग्रो करवाने में। तो आई थिंक यहाँ पे आज कुछ बहुत अच्छे स्टार्टअप्स आए थे एंड उनको भी हम आगे लेके जाएंगे। टर्मिनोलॉजी में एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है एंड इसमें एंजल्स होते हैं। एंजल्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक स्टार्टअप को पसंद करते हैं और उसमें पैसा डालते हैं। ब्रांड्स जैसे भारत पे, जो आज के डेट में जाना जाता है, नोवा नोवा एंड अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, तो उनको हमने हेल्प करा है। जिप इलेक्ट्रिक ईवी स्पेस में, तो ये स्टार्टअप्स हैं जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट करवाया है लोगों का। हम ऑलमोस्ट हर सिटी में ट्रैवल करते हैं। अभी मैं कोची गया था, उससे पहले हम वाइजैग गए थे, फिर जयपुर गए, दिल्ली में इवेंट हुआ, फिर आज यहाँ आए। इस इवेंट का स्पेसिफिकली मैं कहूँगा, जो मेरे को आज नए आइडियाज़ देखने को मिले, एक नई लुधियाना जैसी सिटी में मेरे को देखने को मिला कि लोग हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आज की डेट में लोग वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा, तो आई थिंक ये एक सही फ्यूचर स्टेप है एंड यहाँ पे आगे और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होंगे। हम सिर्फ फंडिंग नहीं दिलाते, हम गाइड करते हैं। हम उनको बताएंगे कि ये सही तरीका है, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, दिस इज द करेक्ट पाथ। जनहितेशी टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। सो एक बार फिर शहर लुधियाना से, लुधियाना जिसको कि एंटरप्रेन्योर सिटी के नाम से जाना जाता है, सो यहाँ पे भी आजकल जो स्टार्टअप्स का एक ट्रेंड है वो पूरे यौवन पे है, अगर हम बात करें। और आए दिन नए नए इवेंट्स हो रहे हैं। सो इसी में एलएमए द्वारा जो आज वुमेन स्टार्टअप समिट की गई है, उसमें बहुत सारे जो हमारे गेस्ट हैं अलग अलग जगह से आए हैं। सो आज एक और गेस्ट जो हैं, एज ए उनसे बातचीत करेंगे, मिलेंगे और जानते हैं कि ये कहाँ से हैं, क्या नाम है और किस तरह इन्होंने आज जो समिट है उसको एंजॉय किया, किस तरह क्या ये क्या मार्क्स देते हैं लुधियाना वालों को। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? इशत शर्मा। कहाँ से हैं? मुंबई से। अरे वाह, मुंबई से। सर क्या कहें, मुंबई में हमें पता लगा ब्राह्मणों की बड़ी एक बड़ी लॉबी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप लुधियाना वुमेन समिट में पहुंचे हैं, सो किस तरह आपने एंजॉय किया उसको? बहुत अच्छा लगा मेरे को इवेंट। एंड जो मेरे को पता चला है वो ये है कि लुधियाना का ये फर्स्ट इवेंट था जो ये स्टार्टअप्स को अप्रिशिएट करने के लिए करा गया है, वुमेन स्टार्टअप्स को। सो आई थिंक ये जो एक फुट लिया गया है इस डायरेक्शन में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नए फाउंडर्स आए उनको इनक्रेज किया जाए। एंड हम जैसे फंड्स हैं, हम ये सब हेल्प कराते हैं अर्ली स्टार्टअप्स को फंडिंग दिलवा के उनको ग्रो करवाने में। तो आई थिंक यहाँ पे आज कुछ बहुत अच्छे स्टार्टअप्स आए थे एंड उनको भी हम आगे लेके जाएंगे। जी मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि आप हेल्प करते हैं स्टार्टअप्स को फंड दिलवाने में, सो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते लेकिन आप हेल्प करते हैं, तो इसमें टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोलेंगे आप? टर्मिनोलॉजी में एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है एंड इसमें एंजल्स होते हैं। एंजल्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक स्टार्टअप को पसंद करते हैं और उसमें पैसा डालते हैं। हम हेल्प करते हैं उस स्टार्टअप को उस इन्वेस्टर से कनेक्ट कराने का। आप एंजल हैं? हम एंजल नेटवर्क है। एंजल नेटवर्क, यस। तो आपके एंजल नेटवर्क का नाम क्या है? वेंचर कैटलिस्ट। वेंचर कैटलिस्ट, यस। सो थैंक यू हमें भी अवेयर करने के लिए, हम भी नया नया है ये वेंचर तो सीख रहे हैं। सो अभी तक सर, जैसे आप वेंचर आपका कैपिटलिस्ट है, तो कितने लोगों की सपोर्ट कर चुका है, कैसे लोगों को उनका हाथ पकड़ के आगे तक ले चुका है? तो वेंचर कैटलिस्ट जब से फॉर्म हुआ है, हमने 500 प्लस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करा है एंड उससे भी ज़्यादा हमने राउंड्स करे हैं, फंडिंग दिलवाई है, अप राउंड्स करे हैं, एग्जिट करवाए हैं लोगों के। और ब्रांड्स जैसे भारत पे, जो आज के डेट में जाना जाता है, नोवा नोवा एंड अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, तो उनको हमने हेल्प करा है जिप इलेक्ट्रिक ईवी स्पेस में। तो ये स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने हमने इन्वेस्टमेंट करवाया है लोगों का। कैसी जर्नी रही सर, कैसे स्टार्ट किया था और आज तक कितने स्टार्टअप्स को हम वो करवा चुके हैं इन्वेस्टमेंट? 500 प्लस, जैसे मैंने मेंशन करा। अरे वाह, 500 प्लस सर, पैसा दिलवा। इतनी, आप तो बहुत यंग लगते हैं जैसे, और 500 लोगों को सपोर्ट भी कर चुके हैं। मैं ऑन अ पर्सनल नोट नहीं, मैंने 50-60 करे हैं, बट जब से वेंचर कैटलिस्ट फॉर्म हुआ है, आई हैव बिन विद देम फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से हूँ, बट उससे पहले भी जो थे और जिन्होंने काम करा है, डॉक्टर अपूर्व रंजन शर्मा, मिस्टर अनुज गोलेचा हुआ द फाउंडर्स, तो उन्होंने 500 प्लस स्टार्टअप्स का हेल्प करा अभी तक टोटल। कितने सिटीज में आप ऐसे ट्रेवल करते हैं और ऐसे जो यंग्स जो आइडियाज़ हैं और उनको आगे लेके आ रहे हो?
हम ऑलमोस्ट हर सिटी में ट्रैवल करते हैं। अभी मैं कोची गया था, उससे पहले हम वाइजैग गए थे, फिर जयपुर गए, दिल्ली में इवेंट हुआ, फिर आज यहाँ हैं। तो हम ये ट्रैवल करते रहते हैं, जहाँ ऐसे न्यू इवेंट्स आते रहते हैं, जहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं अर्ली से स्टार्टअप्स को, हम वहाँ पे दिखेंगे आपको। ओके, सो जैसे आपको स्पेसिफिकली आप इनवाइट पे आते हैं या आप लोग भी सर्च करते हैं, जैसे बिकॉज टू वेज चलता है, या स्पेसिफिकली इनविटेशन पे ही आप जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हमारा नेटवर्क हर जगह है। तो जैसे लुधियाना में हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो वेंचर कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करते हैं, वो यहाँ पे पार्टनर हैं इस इवेंट में। तो उन्होंने रेफरेंस दिया एंड हम आ गए। सबसे बेस्ट अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है जो इस इवेंट का स्पेसिफिकली? मैं कहूँगा जो मेरे को आज नए आइडियाज़ देखने को मिले, एक नई लुधियाना जैसी सिटी में मेरे को देखने को मिला कि लोग हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आज की डेट में लोग वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा। तो आई थिंक ये एक सही फ्यूचर स्टेप है एंड यहाँ पे आगे और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होंगे। और ओवरऑल अभी तक की जर्नी में क्या हो रहा हमें बेनिफिट? ओवरऑल जर्नी में वेंचर कैटलिस्ट, जो मैं कहूँ, हमें सबसे अच्छे स्टार्टअप्स मिलते हैं, हम सबसे बेस्ट स्टार्टअप सोर्स करने का वो करते हैं ट्राई, एंड वही हम अपने एंजल नेटवर्क को दिखाते हैं। एंड उसके आगे स्पेसिफिकली कोई टिप्स आप जो स्टार्टअप अभी तक आप तक नहीं पहुँच पाए, पहुँचना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स, स्पेशल टिप्स? हम हमेशा हैं हेल्प करने के लिए। आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वेंचर कैटलिस्ट, मुझे, किसी को भी जो वेंचर कैटलिस्ट में है। एंड हम सिर्फ फंडिंग नहीं दिलाते, हम गाइड करते हैं। हम उनको बताएंगे कि ये सही तरीका है, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, दिस इज़ द करेक्ट पाथ। तो हम उनकी हेल्प करेंगे। कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? वेंचर कैटलिस्ट के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक है, ट्विटर है, हर चीज़ है, उन सब पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी रीच कर सकते हैं। थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ वेंचर कैपिटलिस्ट के जो एक रिप्रेजेंटेटिव, सो जिन्होंने आज लुधियाना में लोगों से बातचीत करी, नए नए आइडियाज़ को सराहा, और देखते हैं कि ये लुधियाना वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनका बेनिफिट ले पाते हैं या नहीं। देखते रहे, बने रहे जनहितैषी। धन्यवाद।